उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आज कांग्रेस से उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा मक्खनपुर के गांव नगला तुर्किया एक गरीब परिवार में अचानक पहुंच गईं। जहां एक महिला अपने घर में चूड़ी जुड़ाई का काम कर रही थी, महिला को अंदाजा भी नहीं था कि मेरे घर प्रियंका गांधी आ सकती हैं। तभी प्रियंका गांधी उसके कमरे में चारपाई पर बैठ गई और वहीं उस महिला के छोटे बच्चे के कपड़े तह करके रखने लगी। महिला के कामकाज और हालचाल पूछने लगी। प्रियंका गांधी ने अपने हाथों से महिला के साथ चूड़ी जुड़ाई का काम भी किया। जुड़ गई। कैसे जुड़ी? गर्म होके हाँ, बढ़ गई। हाँ। जैसे ये दबा नहीं है, ऐसे अब दबा देंगे ऐसे तब हो जाएगी काम। ऐसे होते हैं काम। आप कह रहे जो काम मत करो, हम तो खुद गरीब इंसान है। तो ऐसे गैस प्रेस करो ऊपर, और ये नीचे गैस है। हाँ, नीचे जो गैस सिलेंडर लगाए नहीं है। हाँ, तो सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया है। और 1000 रुपया है गए। फिर अब कहाँ अगर काम करेंगे तो ला नहीं पाते हम लोग। आपको इसके लिए कितना मिलता है दिन में? महिला ने प्रियंका गांधी के लिए चाय बनाई और प्रियंका ने चाय भी पी। दस मिनट तक महिला से बातचीत करती रही। दोनों के बीच क्या क्या बातचीत हुई इस वीडियो में देखिए। ऐसे ही होते हैं अपने आप। ये तो जुड़ा नहीं है, देखो अलग तो हट गए हैं। वो फिर माल जुड़ेगा, फिर दोबारा गैस पे अलग ठेकेदार अनते। अच्छा, इतने हम करके बस देंगे। अच्छा, तब इसको पैसे मिलते महीने पे। तो 3 रुपए इस तोड़े के लिए। कहाँ करे बहन जी, बच्चा है। और दिन में कितने कर लेती है? 10-15-20 ज्यादा कर लेते। 30-35 रुपए। गैस भी इतनी महंगी, कहाँ करे। तो कोई कह रहा था मिट्टी के तेल भी इस्तेमाल हो रही है। मट्टी के तेल तो बहुत दिन आते हैं, अब आ ही ना रहे, सब बंद है गई। वो भी बंद है। गैस पे सब काम होते हैं। तो ये सब महिलाएं करती हैं यहाँ? हाँ जी, पूरे मक्खनपुर में जो काम होते हैं, जैसे फिरोजाबाद के एरिया में जो चूड़ी के काम होते हैं, यही होते हैं। और पहले आई तो नमस्कार किया, फिर मैंने भी कहा उनसे, फिर मैंने कहा बैठने के लिए, फिर बिन्ने खटिया भी बैठे, फिर बिन के बाद बैठे 1 मिनट तक, फिर बिन्ने चूड़ी के काम कहे कैसे होता है, तो फिर बिन्ने मैंने करके दिखाया उनके, फिर बिन्ने भी थोड़ा करा, 2-4 चूड़ियां जले, फिर मैंने पूछे कैसे, 1 रुपया थोड़ा मिलते, मैंने कही 3 रुपया बहन जी मिलते हैं, इतने कहती है इतनी कम कम पैसे मिलते, कैसे करती हूँ। मैंने कही कहा करे करे नहीं तो मजबूरी है जी, काम तो करना पड़ेगा, मुझे बच्चा है छोटे, फिर कह बेटी है मेरे, कहीं 3 लड़की है मेरे पास, फिर कह रही सिलेंडर 1 रुपया मिलता है। मैंने कहा 1000 रुपया है गया जी, तो सोचा पता है 1000 रुपये मिल रहा है सिलेंडर। फिर मैंने चाय मैंने थोड़ा बनाया, मैंने एक कप चाय पिया, फिर कह रही तुम्हारी लड़की क्या है, मैंने कहा 3 लड़की, नाम पूछी तीनों लड़की ने, फिर मैंने नाम बेबी गुड़िया बोलू बताया 3 लड़की ने, फिर कह रही मेरे भाई कुछ निगाह करो, मैंने कहा ठीक है आपकी कृपा है हम करेंगे, फिर तभी हम कुछ करेंगे, बस इतना ब्रेसलेट दिया बस। ब्रेसलेट कैसा लग रहा है आपके यहाँ? अच्छा लग रहा है मैं घर पे आके। उन्होंने बात तो सितारा के घर जाके की, यही महंगाई के कि क्या करते हैं मजदूर लोग, क्या नहीं करते हैं, और बाकी बाहर आकर उन्होंने यही बात सबको समझाई कि मोदी के राज में इतनी महंगाई है, आप हमारे को वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम आपके लिए सुविधा देंगे। उन्होंने कहा मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और नारी शक्ति अपनी दिखाओ, और क्या कहते आगे आओ, किसी के रोकने मत चलो, और क्या कहते मतलब और हर चीज कर सकती हूँ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड कीजिए।